बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर द क्रिकेट शो पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज स्पेशल। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच, 5 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज का आज खेला जा रहा है शारजा के क्रिकेट स्टेडियम में। पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक ये मैच शाम 4 बजे शुरू होगा और ऑस्ट्रेलिया को आपके इल्म में है कि 1-0 की ऑलरेडी बर्तरी हासिल है, बिकॉज जो पिछला मैच, पहला मैच जुमे के रोज खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को चारों शाने चित कर दिया था और 8 विकेटों से मैच जीत लिया था। 280 रन्स का टारगेट पाकिस्तान ने सेट किया था, रादर 281 रन्स का, जो उन्होंने 49th ओवर्स में आसानी से हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे अच्छी खबर इस मैच में यह थी कि उनके स्किपर एरन फिंच फॉर्म में आ गए हैं। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं, एनालिसिस करने जा रहा हूं ऑस्ट्रेलिया की टीम का और उसके उसकी प्लेइंग 11 और उसके चांसेस के हवाले से और उनकी जो प्लेइंग फिलॉसफी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आपको मुकम्मल अपडेट रख सकें अबाउट क्रिकेट न्यूज एंड डेवलपमेंट्स। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त फॉर्म में, ऑलरेडी आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा ऑलरेडी जबरदस्त फॉर्म में थे और इंडिया के खिलाफ उन्होंने 2 जबरदस्त सेंचुरियां दागी हैं, 180+ स्कोर किया है उन्होंने, तो वो तो ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में थे और जो हैंडस्कम्प हैं वो भी किसी हद तक फॉर्म में नज़र आ रहे थे। तो जो दो खिलाड़ी थोड़े कम फॉर्म में थे, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम करते हुए और अपने भाइयों की मदद करते हुए पिछले मैच में पाकिस्तान ने शॉन मार्श को भी फॉर्म में लाने में अहम किरदार अदा किया। और सबसे बड़ी बात जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बिग न्यूज़ है वो ये कि उनके स्किपर एरन फिंच जो हैं बहुत टाइमली अब वो फॉर्म में वापस आ चुके हैं। फिंच जो है वो बहुत खतरनाक बैट्समैन है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट का बैट्समैन है। पाकिस्तान में इस वक्त फिंच के लेवल का हिटर कोई भी नहीं है। तो फिंच जबरदस्त फॉर्म में आ गए हैं और अगर वो फॉर्म में है तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए इससे बढ़कर अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती। जहां तक बात शॉन मार्श की है तो वो भी अब 91 स्कोर किया है उन्होंने और वो भी फॉर्म में आ गए हैं। सो इनका जो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर है वो अब काफी स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टॉस की। ऑस्ट्रेलिया हमेशा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिकॉज जो उनकी क्रिकेट है वो नाम ही एग्रेशन का है, वो रिजल्ट से बेखबर होकर इंजॉय करके खेलते हैं, पूरा लुत्फ उठाते हैं गेम के साथ। वो ये नहीं सोचते मैं टीम में रहूंगा नहीं रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपनी नेचुरल गेम जरूर खेलते हैं। दिस इज प्रोफेशनलिज्म साहब। आप किसी किस्म के भी हालात हो, आपको अपने प्रोफेशन के साथ 100% ऑनेस्ट होना चाहिए। मुझे आज भी याद है, बड़े अरसे पहले हमने वो फिल्म देखी थी टाइटैनिक, जब वो टाइटैनिक डूबने लगता है तो टाइटैनिक के जो वो म्यूजिशियंस होते हैं आपको याद होगा, वो उसके उनको पता चल गया था कि अब ये जहाज डूब जाएगा, तो उन्होंने उस वक्त पैनिक के बजाय उन्होंने जाकर अपनी अपनी जगहों पर म्यूजिक दोबारा बजाना शुरू कर दिया था। यानी इस तरह की सिचुएशन में भी उन्होंने अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ा। मिसाल सिर्फ इससे जो इंस्पिरेशन मिलती है वो यही है कि देवर 100% ऑनेस्ट with their profession. So Australian guys are always professional और इसीलिए दुनिया के ऊपर उन्होंने बहुत बार राज किया है और दुनिया को बताया है कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होता। So मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया would do bat first, टॉस जीतेंगे बैट करेंगे, कभी बॉलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। और जब वो बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे तो दे विल गो फॉर 300+, दे विल गो फॉर अ किल और उनसे आप किसी भी स्कोर की तवक्को कर सकते हैं। 350+ इवन दे कैन डू इट, उनके अंदर इतनी फायर पावर है, सब कुछ है
जो कि पाकिस्तान में नहीं है अब, सिवाय एक शुएब मलिक के या उमर अकमल के, आपको वो फायर पार नजर नहीं आती। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो आउट ऑफ टच हैं, आउट ऑफ फॉर्म हैं। सो इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बात की है इस हवाले से। सो मेरे ख्याल में टॉस, ऑस्ट्रेलिया विल विन द टॉस एंड अगर वो जीते तो वो पहले बैटिंग करें। मेरे ख्याल में आज भी मैच जो है वो पाकिस्तान टॉस जीतेगा और होपफुली दे विल बैट फर्स्ट। ये मेरा गलत भी हो सकती है बात, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बैटिंग करनी चाहिए। सो ऑस्ट्रेलिया अगर ये टॉस जीतेंगे तो ये बैटिंग जरूर करेंगे, जो जितना मैं क्रिकेट को समझता हूं। और अगर हम बात करें प्लेइंग 11 की, तो दे विल गो विद द सेम प्लेइंग 11 एक्सेप्ट वन चेंज, और वो नाइल की जगह दे विल टेक पैट कमिंस। पैट कमिंस को पहले मैच में उन्होंने रेस्ट दिया था, तो इस मैच में पैट कमिंस जो हैं वो दोबारा आ रहे हैं, होपफुली उनको टीम में शामिल किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा जो है वो रेस्ट देगा अपने खिलाड़ियों को रोटेशन पॉलिसी के तहत, इस सीरीज में एक एक मैच में अपने एक एक खिलाड़ी को रेस्ट देगा। सो मेरे ख्याल में इस मैच में सेम प्लेइंग 11 होगी, बट द प्लेयर्स टू वॉच विल बी उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा की आज हम इंशाल्लाह बैटिंग देखेंगे, मुझे लग रहा है। और द अदर वन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली एरन फिंच फॉर्म में है, तो आज उनकी तरफ से देखने में मिल सकता है। अगर हम उनकी बैटिंग के बाद बॉलिंग की बात करें, तो बॉलिंग में कमिंस अच्छे स्पीडस्टर हैं, अच्छी तेज बॉल करने वाले हैं, तो कमिंस में भी जबरदस्त बॉलिंग करें उनकी जानिब से, थोड़ा पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस भी बने। और अगर हम इसके बाद बात करें, तो ऑब्वियसली जंपा और नेथन लाइन दोनों टीम का हिस्सा होंगे, और ये दोनों भी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनते हैं, ख़ासतौर पर द ऑफी जिसको नेथन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है उनको और पाकिस्तान बड़ी इज्जत करता है उनकी। आपको पता, टेस्ट मैच में भी ज़बरदस्त उनको विकटें दी थी पाकिस्तान ने, जब टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे यूएई में अक्टूबर में टेस्ट सीरीज में। सो आपको पहले भी मैं एक ज़बरदस्त स्टैट दे चुका हूँ कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी पाकिस्तानी टीम से 1990 मई के बाद शारजा में नहीं हारी। सो अगर आज वो शारजा में हारती है तो इट विल बी अ रिकॉर्ड कि इतने सालों बाद वो एक स्टेडियम में पाकिस्तान से हारी है। ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त टीम है, जबरदस्त फॉर्म में है, लेकिन उसका मुकाबला पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान किसी भी दिन कुछ भी कर सकता है, कदमों में भी गिर सकता है और गले भी पड़ सकता है। सो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन बात यह है कि बिल्कुल बुरी परफॉर्मेंस भी दे सकता है, और जिस दिन उनका मन करे, दिल बहुत खुश हो और पीछे से हुक्म भी हो, तो फिर वो पाकिस्तान टीम जो है वो जबरदस्त परफॉर्म करती है और लोग हैरान रह जाते हैं कि ये वो पाकिस्तानी टीम है जो कल जिसने ऐसा परफॉर्म किया था। तो नाजरीन, ऑस्ट्रेलिया के लिए आज का मैच जीतकर अपनी इस फॉर्म को कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त फॉर्म में है, वो चाहेंगे कि इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज इस जबरदस्त फॉर्म को वो लेकर आए हैं इंडिया से। इंडिया को हैरान कुन तौर पर उन्होंने 3-2 की शिकस्त दी है उनके होम लैंड पे, इन फ्रंट ऑफ होम क्राउड। काफी अरसे बाद उनको ये शिकस्त का मजा चखना पड़ा है। सो इंडिया की टीम पाकिस्तान से काफी मजबूत है, बैटिंग में भी, बॉलिंग में शायद थोड़ा सा, अगर हमारी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही होती तो और बात थी, बॉलिंग में वो हमसे थोड़ा पीछे हैं, बट बैट्समैन नो डाउट इंडिया के बैट्समैन हमसे बहुत बेहतर हैं। ये अलग बात कि जब पाकिस्तान से मैच होता है तो वो सिचुएशन ही डिफरेंट हो जाती है, वो तो फिर नर्व्स की सिचुएशन होती है कि कौन सी टीम अपनी नर्व्स पे ज़्यादा बेटर
कंट्रोल कर सकती है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलियन फैन हैं तो आप बताइए कि आज ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्लेइंग 11 खेलेगी, हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि आज के मैच की प्रिडिक्शन क्या है। माय प्रिडिक्शन अगेन इज पाकिस्तान टुडे, और पाकिस्तान विल लुक लाइक अ ब्रांड न्यू टीम, आपको बिल्कुल एक डिफरेंट टीम नजर आएगी इंशाल्लाह। विथ दीज ऑल होप्स, बाबर हयात को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।